रूस का दावा है कि उसने बखमुत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। बखमुत में चप्पे चप्पे पर वैगनार के लड़ाके मौजूद हैं। रूस की सेना को रोकने के लिए यूक्रेनी सैनिकों ने बड़ा अटैक किया है। जोरदार हमले में रेलवे ब्रिज तबाह हो गया है। यूक्रेनी सेना ने बमबारी कर ब्रिज को तबाह कर दिया। वैगनर ग्रुप का दावा है कि यूक्रेनी सैनिकों ने सभी ब्रिज तोड़ दिए हैं। रूसी जवानों की मूवमेंट को रोकने के लिए सभी ब्रिज तोड़ दिए गए हैं। यूक्रेन की जमीन का ये वो हिस्सा है जहां हर मिनट में तबाही होती है। युद्ध का ऐसा इलाका जहां हर घंटे सैनिक दम तोड़ देते हैं। यहां जिंदगी हर पल खतरे में है। मौत कब किधर से आएगी किसी को पता नहीं, लेकिन यूक्रेन के सैनिक यहां जान हथेली पर लेकर लड़ रहे हैं। बखमुत अब सिर्फ एक वॉर जोन नहीं है, बखमुत अब बदनाम है नरसंहार के लिए। बखमुत पर खून के इतने दाग लग चुके हैं कि न जाने ये इलाका कभी फिर बस पाएगा या नहीं। करीब 80,000 लोगों की आबादी वाला बखमुत अब मुर्दों का शहर बन चुका है। यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा। एक जगह शवों को जमा कर दिया गया है। तापमान कम होने की वजह से शव सुरक्षित हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही इलाके की हालत बदतर हो जाएगी। शवों के अंतिम संस्कार का इंतजाम नहीं हो पा रहा। गोलीबारी के बीच शव उठाना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे बखमुत में कितनी मौतें हुई, कितना बड़ा संहार हुआ, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इस इलाके में यूक्रेन फौज बहुत पहले से घिरी हुई है। वैगनार चीफ ने दावा किया है कि यूक्रेन के करीब 10,000 सैनिक तीन तरफ से घिर चुके हैं। Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. और अब ज़ेलेंस्की को सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर भी कब्जा जमाया, वहां यातना और नरसंहार के दावे किए गए। खारसोन के लोग अब डरावनी यादों के साथ जिंदगी जी रहे हैं। वहीं बखमुत में दहशत बढ़ती जा रही है। रूस के सैनिक और वैगनार ग्रुप हमेशा से ही दावा करते रहे हैं कि सिविलियंस को निकालने के लिए कॉरिडोर दिया जाएगा, लेकिन हर बार टॉर्चर और लोगों की हत्या का आरोप रूस पर लगता रहा है। बखमुत में बच्चों समेत अब भी करीब 4,000 लोग मौजूद हैं। 10 से 7,000 यूक्रेनी सैनिक भी मौजूद हैं। यूक्रेन के कई सैनिक बखमुत के अस्पतालों में मौजूद हैं। यूक्रेन में सभी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ सकता है। बखमुत में यूक्रेन के सैनिकों के मारे जाने का डर इसलिए है क्योंकि वैगनार्स और रशियन सेना तीन तरफ से यूक्रेनी फौज पर हमले कर रही है। लगातार गोलाबारी के साथ ड्रोन और फाइटर जेट भी अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक या तो इमारतों में छिपे हैं या जंगलों में मौजूद हैं, लेकिन अब बखमुत की सभी इमारतों को गिराने के लिए गोलाबारी की जा रही है। जंगल में बर्फ पिघलने की वजह से कीचड़ है। रशियन टैंक वजन में हल्के हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के भारी भरकम टैंक कीचड़ में फंस रहे हैं। ऐसे हालात में टैंकों का बखमुत तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। अब सवाल है कि बखमुत में आगे क्या होने वाला है। ज़ेलेंस्की के तेवर से साफ है कि वो यहां से सेना वापस नहीं बुलाएंगे। ज़ेलेंस्की बखमुत में एक महीने तक जंग खींचना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को पश्चिम देशों के हथियार और टैंक का इंतजार है। बखमुत में यूक्रेन के अजोव लड़ाकों को भेजा गया है। ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को अटैक करने के बजाय सिर्फ मुकाबला करने का ऑर्डर दिया है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि बखमुत में लड़ाई जारी रहे और पश्चिमी देशों के हथियार आते ही यूक्रेन की फौज बखमुत में पलटवार कर दे। बखमुत में रूस को हराकर ज़ेलेंस्की पुतिन को नया जख्म देना चाहते हैं। अमेरिका भी रूस के खाते में अब एक जीत नहीं देना चाहता।